अगर एक इंसान एक ज़िंदगी के अंदर हज़ारों ज़िंदगियां जीना चाहे तो वो जी सकता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी ज़िंदगी बड़ी जो है ना लिमिटेड होती है, ठीक है? ये बात तो डन है कि हर किसी को एक लिमिटेड टाइम ही मिलता है। अब उस टाइम के अंदर एक इंसान दूसरे की ज़िंदगियों से कैसे फ़ायदा उठाए, इसका जो है ना सिविलाइजेशन ने बहुत पहले जो है वो इस चीज़ का हल ढूंढ लिया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नोकिया का चार्जर है ना, तो वो नोकिया का मोबाइल ही चार्ज कर सकता है, ठीक है? अगर कोई माइक्रो यूएसबी केबल है तो माइक्रो यूएसबी की पोर्ट में ही लगेगी। अगर कोई टाइप सी की केबल है तो वो टाइप सी के अंदर ही लगेगी। होता क्या है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता रहता है, उसका माइंड जो है वो ग्रो करता रहता है साथ साथ, ठीक है? अब उस ग्रो करने के साथ साथ जो है वो जब बढ़ता रहता है, तरक्की करता रहता है, तो उसके माइंड जो है उसकी शेप भी चेंज होती रहती है, उसके सोचने का तरीका चेंज होता रहता है, ठीक है? अब एक वक्त इसमें ऐसा आता है कि कोई ऐसा शख्स उसके आसपास मौजूद नहीं होता, उसके सर्कल में मौजूद नहीं होता कि वो उसकी बात समझ सके, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो अपनी तमाम बातें जो है वो एक ऐसी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में छोड़ जाता है, ताकि अगर आज नहीं कल को जब कोई मेरे टाइप का दिमाग आएगा तो वो उन बातों को समझ सके। इसकी सबसे आला मिसाल इब्ने सीना की है, ठीक है? इब्ने सीना की कहानी बहुत मज़े की है, ठीक है? उसके जाने के 200 साल बाद लोगों को पता चला था कि इतना बड़ा दिमाग एक दुनिया से गुजर चुका है, जिसने आज की मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद रखी थी उस ज़माने में, ठीक है? तो इसी तरह वो भी अपनी किताबें, अपनी जो नॉलेज था वो किताबों की फॉर्म में छोड़ गया था। उसके बाद जब लोगों ने बैक ट्रैक किया कि ये कौन था, तो पता चला ये तो इब्ने सीना था, ठीक है? इसी तरह क्या है कि एक बड़ा मशहूर कोट है कि इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ 1000 लाइफ्स, रीड 1000 बुक्स। एक इंसान जो है एक बुक लिखने के लिए ना इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी लग जाती है, ठीक है? कि वो अपनी पूरे एक्सपीरियंसेस उस बुक के अंदर लिखता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, एक बड़ा मशहूर सी बात है कि अगर एक जो पेज लिखा जाता है ना किताब का, उसके लिए कई साल लग जाते हैं, ठीक है? एक लाइन को लिए, एक पेज को लिखने के लिए, तो ठीक है? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगियों से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कि उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने माइंड को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है रीड मोर बुक्स, मोर मोर एंड मोर। सो दैट्स ऑल, यही था। और अगर बात पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्हाटएवर यू वांट टू सपोर्ट। और वेबसाइट भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी चेकआउट, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। शुक्रिया।